बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं लाइक आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। अब हम देखेंगे कि आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और फिर उसकी ट्रांसफ्यूजन किस किस को हो सकती है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहते हैं, और सबसे ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, ओ जो उनसे सबको दे सकता है ब्लड। और इसमें मेन चीज़ आप देखते हैं कि ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोग कहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ होती है। अच्छा, इसी कार्ल लैंडस्टीनर ने पहले तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम थे, बी सी 1930 में इसने आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी दिया कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव भी ये चीज़ होती है। सिस्टम देयर आर टू ब्लड ग्रुप, आर ए पॉजिटिव आर नेगेटिव। जिस तरह उधर ए एंटीजन और बी एंटीजन, इधर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, आपको पता है, या तो किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है या फिर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होता है या ए पॉजिटिव होता है। दी ब्लड ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट फ्राम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन आर एच फैक्टर। अच्छा, उधर एंटीजन प्रेजेंट होता था ए ब्लड ग्रुप ए, इधर आर एच फैक्टर भाई प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर आर एच फैक्टर नहीं होगा तो नेगेटिव। देखें ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम था, इसमें बात ये थी कि एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी, नहीं होंगे तो ओ, दोनों होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें सर्फेस है वो भी सर्फेस के ऊपर आर बी सी के ऊपर, ये भी भाई सर्फेस ऑफ है ब्लड ग्रुप के ऊपर, आर बी सी सॉरी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है फैक्टर। अगर प्रेजेंट होगा तो नया पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ये रिसेस मंकी के अंदर पहले देखा, इसलिए आर एच कह देते हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ, ये भी सरफेस ऑफ आर बी सी, अपर से आर बी सी आर एच फैक्टर है द ब्लड ग्रुप, आर एच फैक्टर है द ब्लड ग्रुप के ऊपर देखते हैं क्या होता है। आर एच पॉजिटिव वाले अपर से नॉट हैविंग आर एच फैक्टर है द ब्लड ग्रुप आर नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव होगा वाले पर्सन नॉट हैविंग आर एच फैक्टर है ब्लड ग्रुप आर नेगेटिव, अगर उसके ऊपर आर एच फैक्टर नहीं होगा तो आर एच नेगेटिव होगा। ये मैंने वही बात बताई, अगर आर एच फैक्टर जो है सरफेस के ऊपर देखेंगे अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव, अगर होगा तो पॉजिटिव। अनलाइक द नेचुरली अकरिंग एंटीजन एंटीबॉडी आर वाई बी सिस्टम आर आर एच नेगेटिव, लेकिन देखा जाए कि ये आप एस एच लाइन ना करें, आपको भी समझ नहीं आता। परसेंट डज नॉट प्रोड्यूस एंटी आर एच एंटीबॉडी अनलेस आर एच फैक्टर इंटर इज बॉडी। इसके बाद आपको मैंने एक बात बताई थी, जिस तरह एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज है ना, इसी तरह मतलब ऊपर वाली लाइन का आपको यही मतलब आना मामा, ये बस इतना समझ लें कि जिस तरह एक एंटी बी और एंटी बी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ थी, इसी तरह सेम एज आर ए नेगेटिव और आर ए पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ होती है एंटी आर एच एंटीबॉडीज़। देखें एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ में, अगर लेट्स सपोज अगर मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मुझे ए नेगेटिव भी नहीं लग सकता, मुझे ए पॉजिटिव ही लगेगा। अगर ए नेगेटिव लगेगा तो भाई आर एच एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। दोनों बात याद रखनी है, एक बात तो ये याद रखनी है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मुझे बी ना लग जाए। दूसरा बात याद रखनी है कि मुझे ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मुझे भी ए पॉजिटिव लगेगा, ए नेगेटिव ना लग जाए। ठीक है, ये उस तरह क्रॉसपॉन्डिंग कर रहा है। अनलाइक द नेचुरली जिस तरह एंटी ए बॉडीज एंटी बी हैं, इसी तरह अनलाइकली, लाइकली तो होता है अच्छा होता कि ना होता, लेकिन अनलाइकली इसी तरह आर एच एंटीबॉडीज एंटी आर एच एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं। इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन है आपको काम आएगा, कौन कैसे ब्लड डोनेट कर सकता है। आर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफर टू आर ए पॉजिटिव रिसिपिएंट, देखें आर ए पॉजिटिव को ही देगा, उसे ही ले पाएगा। देखें ए पॉजिटिव है, मैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही लूँगा, बिकॉज रिसिपिएंट ब्लड ऑलरेडी आर एच एंटीजन, उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो गया, एंटी विल नॉट प्रोड्यूस एंटी आर एच एंटीबॉडीज, उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। आर नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी ट्रांसफर टू आर ए नेगेटिव, बिकॉज डोनर ब्लड डू नॉट हैव आर एच एंटीजन, सो रिसिपिएंट ब्लड विल नॉट प्रोड्यूस। सेम टू सेम ऊपर वाली बात का अपोजिट है, उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है तो उसे आर एच एंटीजन के बगैर वाला दिया जाएगा ताकि एंटी आर एच एंटीबॉडी ना बने। इफ द आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव आर, अगर क्या होगा कि भाई आर एच नेगेटिव को पॉजिटिव ब्लड दे दिया, ए नेगेटिव था मेरा, मुझे ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया, ही और शी विल प्रोड्यूस एंटी आर एम, फॉर एन एंटीबॉडी शुरू हो जाएगा, डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। एंड आर ए नेगेटिव ब्लड कैन बी ट्रांसफर टू आर ए पॉजिटिव इफ ओनली डोनर हैज बीन एक्सपोज टू आर एच, इट डज नॉट कंटेनिंग एनी आर एच ब्लड। तो क्या होगा, मेन बात यह है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अगर एक आर ए नेगेटिव एक्सपोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसे आर एच एंटीबॉडी अगर ना बन पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन हार्ट रीड करेंगे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वे डायग्राम भी होगा। काइंडली अल्लाह हाफिज़।